सभी को विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमारे 6 टेस्ट हो चुके थे पहले। ये 7वां टेस्ट हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स का, और इस टेस्ट के भी हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 या 1.5 पे देख सकते हैं, और इस वीडियो का PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो, एक्सचेंज रेट तो पता ही है किस करेंसी के रिलेशन में हमारी करेंसी का क्या स्टेटस है। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है पूछा है। तीन टाइप के एक्सचेंज रेट चलते हैं वैसे बेसिकली। एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, और एक मैनेज होता है। पढ़ लेते हैं बाकी क्या है। इन दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू बाई एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट। ठीक है, मैनेज है तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा ही। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, ये भी उसको क्लीन फ्लोटिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि सरकार जैसा मतलब कुछ इफेक्ट, वो बैंक कुछ अपना दायित्व वैसे प्ले नहीं करेगा, वो बिल्कुल फ्री मार्केट छोड़ देगा। और फिक्स वाले में क्या है कि वो फिक्स कर देंगे कि यही एक्सचेंज रेट चलेगा, जितना फिक्स कर दिया उतना ही चलेगा। और मैनेज वाले में क्या है, जैसा डिमांड और सप्लाई डिपेंड करेगा उसके हिसाब। जैसे मान लो ये अगर फिक्स है और ये वाला आपका फ्लोटिंग है, तो ये आपका मैनेज हो जाएगा। दोनों के बीच का अगर ज्यादा है तो कम मैनेज करते रहेंगे उसको, जैसा डिमांड सप्लाई होगा। तो इसका दोनों होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए इसका। और वैसे हम देखें इसका क्वेश्चन पूछ भी चुका है पहले, नीर और रीर इसका ही टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसे किससे कितना ट्रेड कर रहे हैं किसी भी देश से, तो उनके रिलेशन में हमारी करेंसी अप्रिसिएट करे या डिप्रिशिएट करे, उसको पता करने के लिए सरकार ने दो इंडेक्स बना रखे, नीर और रीर करके। इस पर क्वेश्चन पूछा है पहले, तो उससे इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी एक्सचेंज रेट ही है। इसका आंसर देखते फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सी आंसर दे रखे। हाँ ठीक है, इसका विदाउट एनी फॉर्मल इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ये बैंक जो सेंट्रल बैंक होता है देश का वही करता है। इंडिया इज हैविंग दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। इसको फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं कि इसको मैनेज करते रहते हैं हमेशा, फिक्स नहीं करते। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड एक्सचेंज रेट एंड द फिक्स रेट सिस्टम, ये तो बताया मैंने। दिस हाइब्रिड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट इज बेसिकली डिटरमाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थ्रू ऑपरेशनल मार्केट फोर्सेस। मतलब जैसा डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट आपका डिटरमाइन होगा, पहले से फिक्स नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता है, सेंट्रल बैंक अंडर द मैनेज फ्लोटिंग रेट, जो कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत, अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो हमारा करेंसी अप्रिशिएट करने लगता है, तो भी इंटरवीन करना पड़ता है बैंक को। और जब डिप्रिशिएट करेगा किसी कारण से, तो भी बैंक डॉलर बेच के उसको संभाल लेता है। तो यही होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टू ऑब्टेन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो आपके पास पैसे हैं खर्च करने योग्य, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द पर्सनल इनकम। टैक्स पेमेंट, हाँ टैक्स पेमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको देना होता है ना, टैक्स तो हमें देना ही होता है। नॉन टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट भी देना होगा क्योंकि जैसे कुछ कुछ चीजें होती है जो टैक्स में नहीं है, ऐसे बाकी जैसे हम फीस वगैरह देते हैं, चार्जेस, सेस लेवी, जो कि टैक्स नहीं है, ऐसे पेमेंट जो कि जैसे मान लो कहीं एंट्रेंस फीस देते हैं हम, तो ऐसे कुछ शुल्क होते हैं जो टैक्स के रूप में नहीं, लेकिन हम देते हैं, पे करते हैं, तो ये भी हो ऐड ही होगा। ट्रांसफर पेमेंट टू हाउसहोल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये माइनस होगा, सॉरी ये ऐड होगा क्योंकि तो सरकार दे रही है ना वापस से। तो पूछे आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ये दोनों ऐड होना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए और ये ऐड होना चाहिए। तो 1 एंड 2 भी आंसर होगा इसका। ये आपका एनसीईआरटी वाला जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा ना, इसमें मिल जाएगा, माइक्रो वाले में मिल जाएगा। 13th का भी ठीक है। पर्सनल इनकम इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज, नेशनल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड बाय सब डिवाइडिंग नेशनल इनकम इनटू स्मॉलर कैटेगरीज, वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, ये कहानी लिख रखा है। मैं मेन चीज क्या देखना है, देखो नेशनल इनकम क्या होता है, वो जो विच इज अर्न बाय द फर्म्स एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज इन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग। जैसे कुछ हमने कमाई की जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो रह जाता है, वी हैव टू डिडक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फ्रॉम नेशनल इनकम। अब इसको माइनस करेंगे नेशनल इनकम से, उसके बाद हमारा प्राइवेट इनकम आएगा, और उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमारा होगा वो आपका हाउस होल्ड इनकम में नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला तो सिंपल सा ये वाला है फॉर्मूला, इसको देख के समझ में आ जाएगा। देखो, द पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट,
जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, जैसे मान लो लोन लिया उसका इंटरेस्ट दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स जो हमने दिया होगा, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड, देखो ये प्लस हो रहा है, मतलब कि जो सरकार से हमें सब्सिडी वगैरह कुछ ऐसी मिली होंगी उसको प्लस करना पड़ेगा। तो वही पूछा था वो क्या क्या माइनस होगा। और पर्सनल इनकम इज नॉट द इनकम अबव द ओवर विच द हाउस होल्ड हैव कंप्लीट। सब पर्सनल इनकम में भी हमारा पूरा खुद को हमें नहीं मिलता, उसमें से भी कुछ माइनस होते हैं, जैसे कि नॉन टैक्स में बताया था, जैसे कि फाइन्स हो गया और कुछ फीस वगैरह ऐसे होते हैं। वी ऑब्टेन व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, माइनस करने में जो लास्ट में हमारे खर्च करने योग्य पैसे बचते हैं उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ये पूछा था, बिल्कुल पहले चैप्टर में दे रखा है। इसमें कई सारी चीजें हमको कई कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कंफ्यूजिंग से होंगे, जैसे ट्रांसफर पेमेंट, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब मिलेगा। फैक्टर कॉस्ट कल वाले टेस्ट में भी देखा था, अगले प्रश्न चलते हैं, कल वाले सेशन में देखा था। विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना होता है। डिफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन इज द डिक्रीज इन द डिफ्लेशन लेवल डिक्रीज होता है, घटना होता है। डिस इन्फ्लेशन इज द जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो आपस में एक्सचेंज कर दिया है, ये जो इसका होना चाहिए यहाँ पे लिखा है और इसका यहाँ पे लिखा है। डिफ्लेशन इज द जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और डिस इन्फ्लेशन इज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब घटता है उसको डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका डी हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू। तो देखते हैं 14th का डी, ठीक है। डिफ्लेशन इज द जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो कीमतें घटने लगती है उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया, डिस इन्फ्लेशन इसका रेट घट जाता है, रेट ऑफ मतलब जो टेम्पररी स्लोइंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे जो चीज 5 रुपए का था वो 10 रुपए का हो गया, तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन वही फिर धीरे धीरे घट के 8 रुपए का हो गया, तो 5 जो 10 से 8 है उसमें डिस इन्फ्लेशन हो रहा है। महंगा तो है अभी भी, पहले तो 5 का ही था, वही यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख रखा है। अगले प्रश्न पे चलते हुए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। देखो जीडीपी डिफ्लेटर जब भी आए तो आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी याद आ जाना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100 होता है, उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर के यूज हम तब करते हैं जबकि हम हमें ये पता करना होता है कि क्या चल रहा है, मतलब मार्केट में हमारी क्या असली जीडीपी क्या चल रहा है अभी। इट रिफ्लेक्ट द प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली, क्योंकि हम जो क्या कहते हैं नॉमिनल में तो हम पूरा ले नहीं पाते हैं और रियल वाले में इन्फ्लेशन आता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें फुल पिक्चर देता है कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में असली में। इट रिफ्लेक्ट द प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। नहीं, इसको मोस्टली करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम तो होता है जैसे जो पैसे कितने मंत्रालय किस मंत्रालय को कितने खर्च करने हैं, प्लानिंग कमीशन के बाद जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो सब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये इसका काम नहीं है, तो इसका ये वाला सही लगता है, तो पहला होना चाहिए इसका आंसर। देख लेते हैं इसका, ये पूछा भी है पहले बट जीडीपी डिफ्लेटर किसी प्रीवियस में, यूपीएससी में। आंसर देखते हैं इसका 15th का ए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला दिया होगा कहीं पे, वो देखते हैं फॉर्मूला कहाँ दिया है। जीडीपी डिफ्लेटर ये रहा, देखो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। अब क्या होता है ये WPI CPI जो दो हमारे अलग अलग होते हैं, इसमें तो कुछ ही एक बास्केट होता है ना, कुछ गुड्स का ही होता है, लेकिन अब पूरे गुड्स का अगर हमें लेना है, सिंस क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोडक्शन बीइंग द सम ऑफ ऑल फाइनल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि दोनों में लेने होते हैं, सब कुछ का लेना होता है, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर प्रॉपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि इकोनॉमी क्या चल रहा है, इकोनॉमिक मध्य देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। देखते हैं WPI एंड CPI आर अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस, उसके बाद से देखो ये मंथली बेसिस पे अवेलेबल होता है, लेकिन ये हमें इन्फ्लेशन वगैरह का सही हिसाब देता है, क्योंकि ये तो काफी टाइम बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसका। एंड मंथली चेंजेस इन इन्फ्लेशन कैन नॉट बी ट्रैक बाय जीडीपी डिफ्लेटर, ये इसका लिमिटेड फैक्टर है, और इसको इंप्लीमेंट करता है MoSPI, इसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं अभी हम, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी कंसीडर द कहाँ गया, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी व्हाट डज डी मिनिमस रिफर्स टू। डी मिनिमस मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है कि कम से कम हम क्या कर सकते हैं, मतलब इतना कम से कम होता है डी मिनिमस, मतलब इट इज द लेवल ऑफ, ये सब्सिडी के रिलेशन में आता है इकोनॉमिक्स में। देखते हैं इसका क्या दे रखा है। इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स IMF से, नहीं इसका उससे लेना देना नहीं, IMF WTO का ही।
इट इज द मिनिमल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज, हाँ ये होगा, मिनिमल अमाउंट ऑफ सब्सिडीज और डोमेस्टिक सपोर्ट दैट इज अलाउड अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। देखो छह पिलर होते हैं ना उसके WTO के, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होता है, और कौन सा होता है, ट्रिप्स होता है, ट्रिम्स होता है, गैट होता है, गैट्स होता है, पांच होते हैं, एक और कुछ होता है, मतलब ये उसका ही पार्ट है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में हमारे जो आते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स, उसके बाद टैरिफ मेजर्स आते हैं ना अलग अलग, तो जो उसके तीन पार्ट होते हैं हमारे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के, जैसे एक मार्केट एक्सेस होता है, एक डोमेस्टिक सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन होता है। तो जो हमारा डोमेस्टिक सपोर्ट होता है उसमें WTO के अकॉर्डिंग तीन बॉक्सेस होते हैं, एक इसका मैं अलग से बना दूंगा, एक WTO का ऐसे बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो तीन बॉक्सेस होते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, और एक अलग से होता है डेवलपमेंट बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स को अलग रखते हैं हम। तो तीन कलर के, ये ट्रैफिक लाइट से इंस्पायर्ड है। तो जो आपका ग्रीन बॉक्स होता है उसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा सब्सिडी सरकार दे रही है, मतलब किसानों को पैसा दे रही है जिससे कुछ ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि हम पीएम किसान मान सकते हैं, मतलब उनको कुछ पैसे दे रहे हैं लेकिन उससे कुछ बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पे। और एक होता है ब्लू बॉक्स जो कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है। अब ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है मतलब कि सरकार पैसे देती है, बहुत ज्यादा कुछ उपज होने लगती है, जैसे विकसित देशों में होता है, जैसे अमेरिका UK में, तो सरकार पैसे देती है किसानों को कि आप खेती कम करिए, मतलब प्रोडक्शन घटाइए, उनको पैसे दे देते हैं ताकि इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए और मार्केट प्राइस क्रैश ना कर जाए। और तीसरा होता है हमारा एम्बर बॉक्स, उसी से क्वेश्चन पूछा ये। तो एम्बर बॉक्स होता है आपका ट्रेड डिस्टॉर्शन तो होता है उसमें, लेकिन उसमें लिमिट थ्रेशोल्ड दे रखा होता है कि जैसे मान लो कि आप 5% अपनी टोटल जो आपका खर्च कर रहे हैं अपने, उसका 5% विकसित देशों के लिए और 10% डेवलपिंग नेशंस के लिए अलाउ कर देता है एम्बर बॉक्स, की अब 10% तक पैसे खर्च कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ सरकार खाद वगैरह देती है उसके रिलेटेड है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन होगा इसका, तो बी ही होगा, देख लेते हैं आगे। इट इज एन मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन बैंक टू ऑपरेट, नहीं ये नहीं है, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेड रिक्वायरमेंट, क्या ये छोड़ो, इसका आंसर भी होगा, बाकी आंसर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है 16th का भी, ठीक है। देखो WTO इसका WTO का मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, वो सही पड़ेगा, बहुत डिटेल में पूरा समझ में आ जाएगा, तो मैंने कहानी बताई ऐसे समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। देखो तो इसमें एम्बर बॉक्स होता है जिन मैंने बताया अभी जो, और एग्रीकल्चर GDP जो खर्च कर रहे हैं ये 10% होता है इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वो नहीं दिया गया 5%, जो देखो 5% डेवलप्ड के लिए। और डी मिनिमस वही होता है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं इसके लिए, अपने खेती के लिए, अपने किसानों का सहयोग करने के लिए, इसीलिए सरकार बहुत ज्यादा नहीं कर पाती, ये भी रेस्ट्रिक्शन भी होता है, और इसीलिए ये ट्रेड खोल नहीं सकते दूसरे देशों का। मान लो अगर डेयरी सेक्टर खोल दिया तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से तो एकदम सस्ता मिलने लगा है डेयरी प्रोडक्ट, फिर यहाँ के किसान कहाँ जाएंगे, तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये वाला आप इतना याद रखो कि ये डी मिनिमस WTO के AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के एम्बर बॉक्स से रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका, अभी तीन चार क्वेश्चन उनके सब इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब इसमें से किस किस से हमें अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में पता चलता है, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस वाले आते हैं तो पूछते तो सब कुछ ही है, अब जब वो पूछेंगे सब कुछ तो उनको बताना पड़ेगा सब कुछ, अब घर में कोई एम्प्लॉयड है कि नहीं है, हाँ ये बता सकते हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर, ये तो बिल्कुल ही है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कितने लोग को इस बार जॉब मिली, मतलब कितने लोग इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे, काम कर रहे हैं। डेटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये भी ठीक है, EPFO के डेटा से भी सरकार बोलती रहती है, जैसे सरकार से लोग कहते हैं कि आपने रोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, तो सरकार कहती है कि इस साल 2 करोड़ लोगों ने EPFO पर रजिस्टर किया बिना रोजगार के ही, तो मतलब सरकार बिना नौकरी के ही, तो ये भी एक डेटा होता है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन है क्या, 1, 2, 3 इसका 3 हो जाएगा फिर, ये वाला थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि सेंसस तो 10 साल में एक बार ही होता है, तो वैसे डेटा ये दे सकता है, लेकिन मान लो किसी का 10 साल बाद नौकरी चला गया 5 साल बाद, तो वो तो फिर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो हो जाएगा सही, ध्यान से इसका क्या 17th का डी, ठीक है, मतलब इसे माना है कि वो सेंसस को भी ले लेते हैं। अब हाउस होल्ड सर्वे तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनके पास पूरा डेटा होता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे NSSO कराता है अंडर मोस्टली वही वाला जो अभी हमने ऊपर देखा था, मिनिस्टर ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मोस्पी होता है, मोपसी लिखा है। एनुअल लेबर फोर्स सर्वे ये भी होता है, मिनिस्टर ऑफ लेबर कराती है। पॉपुलेशन सेंसस डेटा भी ठीक ही है,
फिर रिपीट किया इसी बात को अगले प्रश्न पे चलते हुए। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म हाई पॉट मनी। हाई पॉट मनी वही होता है जो इकोनॉमी में हमारे पैसे हैं, सिक्के हैं, जो नोट है, जो मतलब जिसपे रिजर्व बैंक की लाइबिलिटी है कि उनको अगर कोई जाए तो नहीं लिखा रहता तो मैं धारक को वचन देता हूँ 500 रुपये अदा करने की वचन देता हूँ। तो ऐसा कोई मनी जो बैंकों में है, लोगों के पास है, मार्केट में है, वही हाई पॉट मनी है। इट इज अ पोर्शन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट दैट बैंक यूज फॉर लेंडिंग। इट इज अ टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी, लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी, देखो कितना अच्छे से लिखा है। लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब आरबीआई की लाइबिलिटी है, तो यही होना चाहिए। देखते हैं, इट रिफर्स टू द ओनली अमाउंट ऑफ रिजर्व केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। नहीं, इट इज द वैल्यू ऑफ नेट डिमांड एंड नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक पब्लिक हेल्ड बाय टाइम। नहीं यार, यही होगा भी आ हुआ इसका आंसर, वही रिजर्व बैंक की जो लाइबिलिटी है, मैं धारक को वजन देता हूँ, वही वाली बात। और देखते हैं इसका 18th का बी, बिल्कुल ठीक है। 18th का बी, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक बाय और कमर्शियल बैंक। मतलब जो सरकार सॉरी जो बैंक नोट छापेगा, सेंट्रल बैंक मतलब कि रिजर्व बैंक, वो या तो पब्लिक के पास रहेगा, कमर्शियल बैंक के पास रहेगा, मार्केट में कहीं भी किसी के पास तो रहेगा। इट इज कॉल्ड हाई पार्ट मनी, बस इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं। और यही मॉनेटरी बेस होता है, मनी मल्टीप्लायर का काम करता है ये। जैसे कि मान लो बैंक को आपके पास 10,000 रुपये थे, आप बैंक के पास गए, बैंक में जमा किया, बैंक आपको बोलेगा आपको 4% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, आपने पैसे छोड़ दिए 10,000 बैंक में, और यही पैसे बैंक दे देगा लोन दूसरे को। अब ये हाई पॉट मनी था, जब मैं बैंक ने किसी को दिया 10,000 का लोन, अब उसको बोलेगा कि आपसे 8% का लेंगे इंटरेस्ट, बैंक को 4% का फायदा हो गया। अब यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई हो चुका है एक बार, और फिर ये पैसे फिर बैंक किसी को देगा, तो ऐसे ही मनी मार्केट में घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो ये मनी मल्टीप्लाई होता रहता है हाई पॉट मनी का। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है क्या? हाई पॉट मनी इज अ बेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग डिपॉजिट, ठीक है, वही कहानी लिखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिसेंटली द सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इट्स रिपोर्ट साइटेड कंसर्न अबाउट पुअर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, करंट का क्वेश्चन है, पक्का पता नहीं होगा कि नहीं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द अबव मिनरल कैन बी कंसीडर्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स। अच्छा, ये सब सब होना चाहिए फिर ऐसे तो। कोबाल्ट, ऐसे वाले क्वेश्चन सब भी होते हैं, देखते हैं। लेकिन कोबाल्ट क्रिटिकल मिनरल है, ठीक है, ग्रेफाइट है। कोबाल्ट आपका उसमें यूज होता है, किसमें यूज होता है ये यार? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्रेफाइट होता है बैटरी वगैरह बनाने में, और पेंसिल तो बनता ही है। नियोबियम, नियोबियम भी आपका उसमें यूज होता है, जो आता है ना, वो क्या कहते हैं, एयरबैग्स होते हैं जो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में, जैसे जो एयरबैग होते हैं एक्सीडेंट के कारण टाइम पे आते हैं काम, उस टाइम पे होता है नियोबियम। और इसके साथ एक टेंटेलियम भी था जो मिला था अभी, टेंटेलियम। ये आपका मुजफ्फरपुर बिहार में मिलता है ज्यादा, नहीं मुजफ्फरपुर नहीं, हजारीबाग बिहार में। और टेंटेलियम एक मिनरल है, अभी मिला था सतलज रिवर में, ये भी देख सकते हैं हम, करंट में था वो काफी था। तो नियोबियम, लिथियम हो गया आपका, ये रियासी जिले में मिला ही था, जम्मू कश्मीर में। इसका रिजर्व राजस्थान में भी कहीं कहीं सुनने में आया था, और उधर कर्नाटका वगैरह में भी। और निकेल भी आपका यूज होता है बैटरी के लिए ही। तो ये सभी क्रिटिकल मिनरल हैं। भारत सरकार ने अभी कोई डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया था जिसमें क्रिटिकल मिनरल के बारे में कोई पेपर ले किया था पार्लियामेंट में। तो इसका कौन सा क्वेश्चन, 19 का डी होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होना चाहिए आंसर। देखते हैं 19th का डी, बिल्कुल ठीक है। तो सेंटर ठीक है, इसका नाम ये देख लेना किसकी मिनिस्ट्री में क्या है, कौन इसका क्या है, ऐसे नाम जो होते हैं कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इट्स रिपोर्ट साइटेड कंसर्न अबाउट द पुअर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंडिया। अभी इन्होंने ये कि मिनरल सप्लाई चेन बहुत ही पुअर है भारत में, इससे लूपहोल्स, अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, सैंड माइंस, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है वहाँ पे तमिलनाडु में, फिर थोरियम रिजर्व्स, मतलब उससे क्रिटिकल मिनरल का नुकसान भी हो रहा है। मतलब ये तो पॉलिटिकल पार्टी के एक्विजिशन चलते रहते हैं, लेकिन इससे नुकसान होता भी। मान लो सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है तो बीच में लूपहोल्स मिलेंगे, लोग फायदा उसको उठाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स रिफर्स टू द बोथ प्राइमरी एंड प्रोसेस प्रोसेस एसेंशियल आउटपुट इन द, क्या होता है क्रिटिकल मिनरल, इसका डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं अगर हो पाए तो। मिनरल्स सच एज एंटीमनी, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, क्या क्या होते हैं, ऐसे 22 मिनरल को क्रिटिकल मिनरल भारत में घोषित कर दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली CSEP अनाउंस्ड 24 ऐसे मिनरल टू बी क्रिटिकल मिनरल ऑफ इंडिया, ऐसे बोल सकते हैं। ये नंबर याद करना थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये भ्रम फैला दिया गया कि यूपीएससी डेटा नहीं पूछता है, नहीं पूछता है, पूछता है, अभी पूछ लिया था इस बार ये फ्लैग का रेशियो। अभी ऐसे लोग बोलते हैं कि फ्लैग पूछेगा, इनको पूछा ना उसने, तो ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स WTO MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। देखो ये मोस्ट फेवर्ड लिखा है लेकिन नेगेटिव टर्म में लिखा है, मतलब ये पॉजिटिव लिखा है, ये बात ये नेगेटिव है। इसमें ये होता है
कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस आप किसी को नहीं देंगे, मतलब सबको आप इक्वली ट्रीट करेंगे। तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, इसका ध्यान रखना है कि मोस्ट फेवर्ड कोई नहीं होता है, सब लोग बराबर होते हैं। पढ़ते हैं क्या दे रखा है, MFN प्रिंसिपल स्टेट दैट इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली आफ्टर फॉरेन गुड्स हैव एंटर्ड द मार्केट। हाँ यही तो होता है, देख लेते हैं। नेशन शुड ट्रीट ऑल ट्रेड पार्टनर्स इक्वली विदाउट एनी बायस। हाँ ये भी होता है फिर तो, ये गलत, ये ज्यादा सही है। अमंग ऑल ट्रेड पार्टनर्स द कंट्री रिकॉग्नाइज द मोड, ये गलत, क्योंकि किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है। अगर वो है तो आप FTA करिए, दुनिया भर के आते हैं अलग अलग FTA कर सकते हैं, या तो फिर अभी लिमोवा साइन कर सकते हैं, अभी हमारे चल रहा था ना UK के साथ, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं आप साइन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते आप किसी को MFN नहीं दे सकते हैं। जैसे अब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई मतलब युद्ध हुआ था, अरे 2019 में एक बार हुआ था ना, उस टाइम पे भारत ने MFN स्टेटस हटा दिया था। ऐसे मतलब कोई दिक्कत होती है तो सरकार हटा देती है, नहीं तो और भी अगर आपको किसी से ट्रेड करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं आप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, सेकर साइन कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन बना सकते हैं, कस्टम कॉमन मार्केट बना सकते हैं, इकोनॉमिक यूनियन जैसे EU था, यूरोपियन यूनियन, ऐसे बना सकते हैं, मॉनेटरी यूनियन भी बना सकते हैं जहाँ पे आपकी करेंसी भी सेम हो जाए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन ये MFN वाली बात नहीं है, तो देखते हैं इसका आंसर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से 20th का बी, ठीक है। MFN मैंने कहानी बता दी, इसको कुछ बताने का है नहीं इसमें। क्या लिखा इसमें, कुछ लिखा एक्स्ट्रा, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज रिक्वायर्ड कंट्री टू प्रोवाइड एनी कंसेशन और इम्यूनिटीज ग्रांटेड बाय वन नेशन इन ट्रेड टू अदर WTO मेंबर कंट्रीज, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा लिखा, इक्वल ट्रीट, देखो यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट ऑन इम्पोर्टेंट लोकली गुड प्रोड्यूस गुड्स ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली, यही है। मतलब जो भारत में मतलब अपने देश में बने या फिर बाहर से, सबको बराबर ट्रीट करना है, लेकिन कुछ कुछ इसमें लूपहोल निकाल ही लेती है हर जगह की सरकार। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लूँ, प्यास लगी मुझे। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी जैसे देखो, अभी ये रिसेंट में मतलब भारत सरकार का थोड़ा वैसा हुआ, नदियों के नाम पे ऑपरेशन रखने लगे हैं, जो कुछ इवैक्यूएशन होता है, जैसे एक ऑपरेशन गंगा हुआ था यूक्रेन से, ऑपरेशन कावेरी हुआ था आपका सूडान से हुआ था शायद, जहां तक मुझे याद रहा है, और एक और हुआ था ना वहां से, ऑपरेशन राहत हुआ था तुर्की में, हुआ तुर्की में हुआ था, और भी ऐसे दो चार हुए थे मतलब रिसेंट में, तो यही हुए थे। अब देखते हैं, एड इन सर्च एंड रेस्क्यू इन टर्की एंड सीरिया फॉलोइंग डेडली अर्थक्वेक, ऑपरेशन राहत था जहां तक मुझे याद आ रहा है। इवैक्यूएशन एंड द इंडियन सिटीजन अमेस्ट द 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हु हैड क्रॉस्ड ओवर द नेबरिंग कंट्रीज, नहीं ये तो ऑपरेशन गंगा था, इसमें भारत सरकार ने लगभग 1,70,000 के आसपास लोगों को निकाला था, और जो कोविड के टाइम पर निकाला था उसका नाम क्या रखा था, ऑपरेशन वंदे भारत, वंदे भारत ही था, वंदे मातरम था, मतलब ऐसे ही था कुछ देशभक्ति ना। डेवलप्ड इंडिजिनियस, नहीं ये नहीं होगा, तेजस्व जैसे इसका कोई लेना देना। इवेक्वेट इट्स नेशनल ओविंग टू द करेंट क्राइसिस इन सूडान, हाँ ये सूडान वाला ही है ऑपरेशन कावेरी, जैसे सूडान आपका अफ्रीका ही है, जैसे मान लो ये आपका अफ्रीका, तो यहाँ पे आपका सूडान पड़ता है, तो यहाँ पे जो रेड सी है ऐसे है ना यार, मतलब रेड सी के आसपास यहाँ पे सूडान है, तो आपका यहाँ पे लड़ाई चल रही थी बहुत आपस में, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उस टाइम भारत सरकार ने चलाया था। देख लेते हैं आंसर इसमें क्या ही पढ़ना है, 3,000 लोगों को निकाला था ऐसे सूडान से, ठीक है जहाज में जाए, ये देख लेना ये कुछ नहीं है इसमें, और रीजन दिया है इसमें, लंबी सी कहानी है पढ़ लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, गला मिला सूख गया एकदम से। रिसेंटली वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल वॉज डिस्कवर्ड इन चेटुमाल बे ऑफ द कोस्ट ऑफ यूकाटान पेनिनसुला इन मैक्सिको, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू होल्स, भाई नहीं पता मुझे ये, करंट का है वैसे भी, देख लेते हैं कुछ आइडिया लग जाए तो। दे आर फाउंड ऑन कोस्टल कास्ट प्लेटफॉर्म, कोस्टल कास्ट, कास्ट वो होता है तो कास्ट टोपोग्राफी होता है लाइमस्टोन वाला, जैसे मेघालय में हमारा डिपोजिशन लाइमस्टोन वाला, ठीक है तो ये होती है कास्ट टोपोग्राफी, लेकिन कोस्टल से क्या इसका लेना देना है। दे आर बिलीव टू हैव फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर आइस एज, मुझे नहीं पता इसका आंसर, देखने हैं देखना पड़ेगा। 22 का सी, 22 का सी मतलब कि दोनों है, ठीक है 22 का सी हो गया, तो वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल, डीपेस्ट इज ड्रैगन होल, अच्छा दुनिया का सबसे होल ड्रैगन होल है जो कि साउथ चाइना सी में है, वो डिस्कवर्ड इन चेटुमल बे ऑफ द कोस्ट ऑफ यूकाटन पेनिनसुला इन मैक्सिको, मैप में देख लेना जगह लोकेट कर लेना,
ब्लू होल्स आर लार्ज अंडरसी वर्टिकल केव्स और सिंक होल फाउंड इन। अच्छा सिंक होल ये आपका वो है ना, टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होता है, इरोजनल लैंड फॉर्म होता है, और तो उस वाले चैप्टर में ये सब मिलेगा आपको, वर्टिकल केव, सिंक होल, ये होल वगैरह जितने भी सब है। तो वहां पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वैसे और करंट का है। तो ये माना जाता है कि लेटर आइस एज में 11,000 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। और लाइमस्टोन, देखो लाइमस्टोन टेरेन है ना ये, लाइमस्टोन वही कास्ट लिखा था ना, कास्ट, तभी समझ में आ गया था लाइमस्टोन से रिलेटेड होगा ये। स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको मिल जाएगा जीसी लोग में, फिर एनसीआरटी में तो बहुत कम दिया इसके बारे में। वर्ल्ड डीपेस्ट नोन डिपोज विच वॉज डिस्कवर्ड इन साउथ चाइना सी 2016 में, वो ड्रैगन जिसका नाम है 980 फीट डीप है। एक क्वेश्चन और करेंगे, कल मेरे एकदम सूख गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक, सबको बराबर पैसे मतलब मिलते रहे, चाहे नीचे कहीं बाधा ना है। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाँ 100%। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, ये अभी मैंने देखा था ना ऊपर, क्या था, मैनेज फ्लो ट्रेड जो था वही वाला। और ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कभी सीआरआर बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ दिया ऐसे। और टू गिव द पब्लिक एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल ठीक है। चार जगह इनके हैं, टकसाल कहते हैं इसको, टकसाल हिंदी में, जहाँ सिक्के बनते हैं, एक नासिक में है शायद, और एक तो नोएडा में है, और एक एक कहाँ पे, एक वेस्ट बंगाल में है, और एक मैसूर में है शायद, मतलब चार जगह है भारत में। तो ठीक है देखते हैं, इसका चारों हो जाएगा फिर, चारों 1 2 3 4 है क्या ऑप्शन, हाँ ठीक है इसका चारों हो जाएगा। मतलब रिजर्व बैंक ये काम करता है, इनका ऑब्जेक्टिव रिजर्व बैंक का, देख लेते हैं ये। बिल्कुल बैंकिंग वाले शुरू वाले चैप्टर मिलेगा आपको किसी भी बुक में, 23rd का, ये बिल्कुल ठीक। अब रिजर्व बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही बनाया था, ये जो हम पढ़ते हैं पॉलिटी और हिस्ट्री में, तो इसको 1934 मतलब ये लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उसी के बाद बना था, 1934 लिखा है जो इसमें। द प्रियम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रियम्बल में इसके बारे में लिखा है, क्या क्या इनका काम है, इसका मॉनिटरी फंक्शन काम है, स्टेपुलेट फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट मॉनिटर द फॉरन सॉरी मॉनिटरी पॉलिसी। देखो मॉनिटरी पॉलिसी हमेशा आरबीआई करेगा, फिस्कल पॉलिसी सरकार करेगी, फाइनेंस मिनिस्टर करेगी, ये बात ध्यान रखना। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कोई धोखाधड़ी ना करे, कोई सब बैंकिंग सिस्टम एकदम फर्स्ट क्लास चलता रहा है, उसके बारे में देखते हैं। मैनेजर ऑफ फॉरन एक्सचेंज, तो भी हमने ऊपर देखा था, इशू ऑफ करेंसी, नोट छापने का काम ही नहीं का है, उसको नहीं कर सकता है। केवल 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, जो कि अभी फिलहाल आना भी बंद हो गया, क्योंकि इस पर आप देखेंगे तो वित्त सचिव लिखा रहेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है 1 रुपए वाले नोट पे, बाकी सब पे रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। डेवलपमेंटल रोल, आरबीआई परफॉर्म वेरियस परफॉर्म फंक्शनल, जैसे यूपीआई वगैरह को भी प्रमोट करते रहते हैं ये लोग। अभी इन्होंने एक सेमिनार किया था जिसमें यूपीआई वॉलेट का 2,000 रुपये, आप 2,000 रुपये का कुछ सीलिंग रखा था, उसके बाद आप उतना पेमेंट कर सकते हैं, कुछ था याद नहीं आ रहा मुझे, अभी 1 2 4 महीने पहले की बात है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये तो है ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट, बिल्कुल पक्का लास्ट, ठीक कर लेंगे, बंद करते हैं इसको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी मतलब रिजर्व बैंक का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव टूल्स यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो भाई दो टाइप के टूल्स होते हैं, एक तो देखो दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दूसरी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी सरकार देखती है, मॉनेटरी पॉलिसी आपका बैंक देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार सॉरी बैंक दो टाइप के टूल्स का यूज करते हैं, एक होता है आपका क्वालिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स। अब यहाँ पे हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में आपके आ जाते हैं, एक बार क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब क्या क्या सरकार करती है, जैसे रिजर्व रेशियोज देखती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एलएफ, ये सब देखते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में आती है आपके मार्जिनल रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है, मॉरल सिचुएशन बिल्कुल आता है, मतलब ये बैंकों से अनुरोध करेंगे, समझाएंगे, फुसलाएंगे, ये करेंगे। चेंजिंग एसएलआर नहीं है, तो आपका वो हो गया ना एसएलआर, चेंजिंग एसएलआर अभी उसमें देखा था ना हमने, क्या कहा था, क्वांटिटेटिव टूल्स में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो 1 एंड 2 हो जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट वो होता है, जैसे कि मान लो किसी चीज के एवज में किसी ने अपना जो जमीन गिरवी रखा लोन के लिए बैंक के पास, तो उसके एवज में कितने पैसे मिलेंगे, वो एक लिमिट लगा देंगे लोग, मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये होता है, लोन टू वैल्यू इसको कहते हैं। मोरल सिचुएशन वही होता है कि सरकार आरबीआई रिक्वेस्ट करी कमर्शियल बैंक से कि ऐसे कुछ आप मेजर लीजिए जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी डिस्टेबलाइज ना हो, मतलब चलती रहे जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, चलता है, कुछ
वन एंड टू होना चाहिए इसका, क्योंकि ये तो सीधे सीधे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल है। वन एंड टू आंसर इसका बी होना चाहिए, 24th का बी। ठीक है, और ये मैंने बताई दिया क्या ही होता है, इसको यहीं बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाकी सही लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी धीरे चलने वाले लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा कम्प्लीट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।